नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर और कार्यकर्ता सहित कई भाजपा नेताओं को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। इन्होंने मंगलवार की शाम को गुंटूर में जिन्ना टावर सेंटर तक मार्च करने की मांग की थी और इसका नाम पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखने की मांग की गई थी। कांग्रेस के सीनियर नेता रहे सुनील जाखड़ को पार्टी में शामिल कर भाजपा ने पंजाब की सियासत में बड़ा दखल कर दिया है। यही नहीं, अब पार्टी ने कुछ और नेताओं पर डोरे डालने भी शुरू कर दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के दो सीनियर नेताओं की भी भाजपा लीडरशिप से बातचीत चल रही है और जल्द ही वो भगवा का हिस्सा हो सकते हैं। संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव से पहले ये पाला बदल हो सकता है। इस सीट से पंजाब के सीएम भगवंत मान सांसद थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल उपचुनाव की तारीख तय नहीं हुई है। देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम से जुड़े कथित चीनी वीजा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। न्यूज एजेंसी ANI ने अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी है। इससे पहले चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट भास्कर रमन की रिमांड अवधि अदालत ने 3 दिन तक और बढ़ा दी थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच की आंच का सामना कर रहे हैं। इसी मामले में जांच के दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर भी कई खुलासे हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय से पूछताछ के दौरान एक गवाह ने खुलासा किया है कि दाऊद हर महीने अपने भाई बहनों को 10 लाख रुपए भेजता है। लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आमना सामना भारतीय सिविल सेवा अधिकारी सिद्धार्थ वर्मा से हुआ। पूरे कार्यक्रम के दौरान दोनों के बीच राष्ट्र और राज्य के मुद्दे पर जमकर सवाल जवाब हुए हैं। इस पूरी चर्चा का वीडियो अधिकारी ने ट्विटर पर शेयर किया है। कांग्रेस नेता ने India@75 विषय पर विचार पेश किए हैं। भारतीय विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने कहा है कि उस पर मंगलवार रात रैनसमवेयर हमला हुआ है, जिसके कारण उसकी उड़ानों के प्रस्थान में बुधवार सुबह देरी हुई। स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने कहा कि स्पाइसजेट की कुछ प्रणालियों पर कल रात रैनसमवेयर हमला किया गया है, जिससे आज यानी कि बुधवार सुबह उड़ानों के प्रस्थान में देरी हुई है। प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी की IT टीम ने स्थिति नियंत्रित कर ली है और समस्या सुलझा लिया है, साथ ही विमानों का संचालन अब सामान्य है। पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय संघ के सदस्यों द्वारा भारत बंद के आह्वान के बाद भारत के कई हिस्सों में देशव्यापी हड़ताल देखने को मिला। वामसेव के अध्ययन वामन मेश्राव ने कहा है कि हमारे भारत बंद आंदोलन को राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति मोर्चा और कई अन्य संगठनों ने समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी ने अब अपनी रणनीति में खास बदलाव किए हैं। खबर है कि पार्टी अब कांग्रेस के बजाय इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहलाना पसंद कर रही है। खास बात यह है कि पार्टी ने राजस्थान के उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर के दौरान बड़े बदलाव की घोषणा की थी। इस क्रम में मंगलवार को पार्टी ने टास्क फोर्स 2024 समेत 3 समूह गठित किए हैं। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने भारत बायोटेक के COVID-19 टीके कोवैक्सीन के 3 में से दूसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण पर लगाई गई रोक हटा ली है। अमेरिका और कनाडा में इस टीके के लिए भारत बायोटेक की साझेदार ओकुजेन इंक द्वारा जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई। पश्चिम बंगाल की पियाली बसाक ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। पियाली माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के फतह करने वाली पहली भारतीय महिला है। पियाली रविवार को भारतीय समयानुसार सुबह 8:30 बजे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची है। पियाली बसाक की जीत पर बंगाल में खुशी की लहर है। बंगाल सरकार की तरफ से भी पियाली बसाक को बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। भारतीय सेना को आज आर्मी एविएशन कॉर्प्स के रूप में अपनी पहली महिला अधिकारी मिली है। कैप्टन अभिलाषा बराक यह कारनामा करने वाली पहली महिला बनी है। भारतीय सेना के अनुसार अभिलाषा ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जिसके बाद कॉम्बैट एविएटर के रूप में उन्हें आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है। जलवायु परिवर्तन के चलते बढ़ती गर्मी से गेहूं के उत्पादन में कमी दर्ज की जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बढ़ती गर्मी और पानी की कमी के चलते आने वाले समय में पूरी दुनिया के सामने खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन इंडो गैंगेटिक प्लेन यानी गंगा के तराई वाले इलाके में होता है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि बढ़ती गर्मी और पानी की कमी के चलते गेहूं की पैदावार में काफ़ी कमी दर्ज की गई है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने 16 मई को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक को NIA कोर्ट में पेश किया गया है। NIA कोर्ट ने 19 मई को यासीन मलिक को दोषी ठहराया था। आज NIA कोर्ट फैसला सुना चुका है। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की कुछ धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए नई याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि ये धाराएं धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। ये याचिका स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने दाखिल की है।
उत्तर भारत में हुई बारिश से कई राज्यों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। तेज आंधी और जोरदार बारिश के बाद लोग राहत की सांस ले रहे हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, एमपी, झारखंड सहित कई राज्यों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इन सभी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहावना बना रहेगा। असम में भारी बारिश और बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिल रही है। बाढ़ और भूस्खलन की दोहरी मार लोग झेल रहे हैं। बाढ़ की स्थिति में कुछ खास सुधार तो नहीं हो रहा। बाढ़ के कारण फसलें जरूर बर्बाद हो रही हैं। असम के 34 जिलों में से 22 जिले गंभीर रूप से बाढ़ग्रस्त हैं। नागांव जिले के दिफालू गाँव में किसान अपने बाढ़ग्रस्त खेत में धान की फसल काट रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा इस बाढ़ में खो दिया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर इजाफा हुआ है। एक दिन बाद ही कोरोना के मामले फिर से 2000 के पार हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2124 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 17 लोगों की जान गई है। बता दें कि कल यानी मंगलवार को कोरोना के 1675 मामले सामने आए थे। जीव जंतु एवं वनस्पतियों की कई प्रजातियों के विलुप्त होने से आज पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। धरती पर प्राकृतिक सफाईकर्मी की भूमिका निभाने वाले गिद्धों की तादाद भी तेजी से कम हो रही है। पिछले 3 दशक में देश में गिद्धों की संख्या 4 करोड़ से घटकर 4 लाख से भी कम रह गई है। वातावरण की स्थिति को बेहतर बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले गिद्धों पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। महंगाई पर अंकुश के लिए सरकार ने मंगलवार को 2 बड़े फैसले लिए। पहले कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर शुल्क और सेस हटाने की घोषणा की। फिर देर रात चीनी के निर्यात की सीमा निर्धारित करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में प्रत्येक वर्ष 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। दुनिया की सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया एप्लीकेशन इंस्टाग्राम के डाउन होने की शिकायत मिली है। डाउन डिटेक्टर वेबसाइट के अनुसार इंस्टाग्राम आउटेज की समस्या से जूझ रहा है, जिस कारण यूजर अपना अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया के दूसरे ऐप जैसे ट्विटर, फेसबुक और यूजर इंस्टाग्राम डाउन होने की शिकायत कर रहे हैं। कांग्रेस ने भले ही चुनावी हार से निपटने के लिए चिंतन शिविर में खूब चिंतन किया हो, लेकिन इस महाचिंतन के बावजूद पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। तमाम बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। राजस्थान में आयोजित 3 दिवसीय चिंतन शिविर के बाद पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है, जिसे पार्टी के लिए एक के बाद एक बड़े झटकों की तरह देखा जा रहा है। कोविड-19 के कहर से संभलने में जुटे दुनिया के कई देशों को अब मंकीपॉक्स वायरस डराने लगा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक इजराइल, अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत 1 दर्जन देशों में मंकीपॉक्स के करीब 90 से ज्यादा मामलों की पुष्टि की है। भारत में भी इस नई और दुर्लभ बीमारी को लेकर सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। वहीं इस बीमारी को लेकर एक्सपर्ट भी अपनी राय रख रहे हैं। चिनाब घाटी के ऊंचाई वाले इलाके में बेमौसम हिमपात ने सैकड़ों खानाबदोश परिवार को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि बिगड़े मौसम में वो अपने पशुओं के साथ आगे की यात्रा रोकने के लिए मजबूर है। डोडा, किश्तवाड़ा और रामबन जिलों के ऊपरी इलाके में शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे केंद्र शासित प्रदेश और पंजाब के मैदानी इलाके से अपनी यात्रा शुरू करने वाले खानाबदोशों में बेचैनी है। वर्ष 1988 के रोड रेज मामले में पटियाला केंद्रीय कारागार में 1 साल की जेल की सजा काट रहे कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू अब आम कैदियों वाला खाना नहीं खाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू को स्पेशल डाइट देने के लिए पटियाला की एक अदालत ने मंगलवार को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नवजोत सिंह सिद्धू को अब जेल में बादाम, अखरोट और नारियल पानी के अन्य स्पेशल डाइट भी दिए जाएंगे। दरअसल मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया है कि उन्हें फैटी लिवर की दिक्कत है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मसला उनके महंगाई भत्ते के 18 महीने के एरियर से जुड़ा है। सरकार ने एरियर देने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। कर्मचारी संगठनों के साथ मीटिंग में सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान महंगाई भत्ते को फ्रीज किया गया था। उस दौरान 1.5 साल तक इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। कर्मचारी इन 18 महीनों के एरियर को देने की मांग कर रहे हैं, जो पूरी नहीं की जा सकती। आंध्र प्रदेश में परिवहन मंत्री पिनिपे विश्वरूपे के घर लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ कर दी है। अमलापुरम शहर में नए जिले के नाम को लेकर मंगलवार को हिंसा भड़क उठी। इस दौरान ट्रांसपोर्ट मंत्री के घर में उत्तेजित लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ भी कर दी। हालांकि पुलिस ने मंत्री और उनके परिवार के सभी सदस्यों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया था। मूसलाधार बारिश के अलर्ट के बाद केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। रुद्रप्रयाग के सीईओ प्रमोद कुमार ने कहा है कि मौसम विभाग की तरफ से बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद लोगों को केदारनाथ की यात्रा करने से रोक दिया गया है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है, इसलिए लोगों से कहा गया है कि वो अपने होटल में लौट जाएं, मंदिर की तरफ ना बढ़े, होटल में रहे, सुरक्षित रहे।
अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने भारत बायोटेक के कोविड 19 टीके कोवैक्सीन के 3 में से दूसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण पर लगाई गई रोक हटा ली है। अमेरिका और कनाडा में इस टीके के लिए भारत बायोटेक के साझेदार ओकुजेन इंक द्वारा जारी एक बयान में ये जानकारी दी गई। ओकुजेन इंक के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सह संस्थापक डॉक्टर शंकर मुसुनुरी ने कहा है कि हम काफी खुश हैं कि हम कोवैक्सीन के लिए अपने क्लिनिकल परीक्षण पर आगे बढ़ सकते हैं। हैदराबाद हवाई अड्डे पर दक्षिण अफ्रीका के जिस नागरिक के जांच में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के BA.4 सब वेरियंट की पुष्टि हुई थी, वो शहर में एक कॉलेज में गया था जहां उसके संपर्क में आए सभी लोगों की जांच में संक्रमण नहीं पाया गया। सूत्रों ने बताया है कि इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी नागरिक अपने देश वापस चला गया और संस्थान ने संक्रमण को रोकने के लिए सभी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि उक्त व्यक्ति के संपर्क में आए सभी लोगों की जाँच में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सेवा क्षेत्र में निर्यात पर अधिक ध्यान देने की बात कही है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि इससे देश के कुल निर्यात को और बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार और व्यवसाय से एक दूसरे का समर्थन करने का आह्वान भी किया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है सोनाली सिंह, कुश कुमार यादव, रंजीत मिश्रा, वैद्यनाथ ठाकुर, राहुल चौहान, जितेंद्र ऑफिशियल, ललन कुमार, सुधीर कुमार, दिनेश कुमार, नन्नू कुमार, कमल देव पांडे, सुभाष ठाकुर। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अभिनय की दुनिया में किस अभिनेत्री ने भारत का मान सबसे ज्यादा बढ़ाने का काम किया है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।